नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है? क्या हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फिर फायदा? आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल को सफलता मिलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ा गढ़ और सबसे ज्यादा बार जीतने वाली लगातार 5 बार सरकार बनने ली है, और क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होगी या फिर नहीं? इसी कड़ी में बात कर लेते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिलेगी सीटें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले निकल के आ रहा है गुजरात का वो जिला जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, डांग। डांग की जनता के अनुसार यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के हाथ में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं सताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की, 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तापी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और अरविंद केजरीवाल को 0, अन्नी पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से यहाँ की जनता के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 5 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो। दोस्तों बात कर लेते हैं पोरबंदर की, पोरबंदर में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता की राय के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बोटाड की, बोटाड की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। नर्मदा की, जी हाँ दोस्तों नर्मदा में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को दोनों ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अभी तक खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से अब तक 11 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें, आम के खाते में 0, अन्नी पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। महीसागर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मोरबी की 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो जनता के मूड में यहाँ पर मोरबी में 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं छोटा उदयपुर की, 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अरावली, जी हाँ दोस्तों अरावली की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जनता दे रही है और 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। पाटन की 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है आप और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से अब तक 31 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर गुजरात का अगला जिला निकल के आ रहा है गिरी सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नवसारी की, नवसारी में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंचमहल की, पंचमहल में 5 विधानसभा सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर 5 में से 4 पर
बीजेपी एक बार कांग्रेस पार्टी का बीच हो सकती है। और दोस्तों गुजरात की अब तक 144 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 33 सीटों पर बीजेपी, 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं भरूच की, 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0-0 सीट। सुरेंद्रनगर की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी अपना जीत का आंकड़ा पार कर सकती है, और आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की, 182 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर 43 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी करने में 0, और अन्य पार्टी करने में 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जामनगर की, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से सभी 5ों की, 5ों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। सिया दोस्तों यहां पर की जनता के अनुसार सभी 5ों की 5ों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जामनगर में बनी रह सकती है। वहीं बात कर लेते हैं जूनागढ़ की, 5 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी 5ों की 5ों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं गांधीनगर की, 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 74 यानी कि 74 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा और केजरीवाल को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। अमरेली की, 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दाहोद की, 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का 0, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। जी दोस्तों कच्छ की, 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की, अब तक 182 सीटों में से 91 यानी कि 91 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 23 सीटों पर प्रियंका गांधी वाड्रा, तो 1 सीट पर अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी का तो 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं खेड़ा की, खेड़ा जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की, 111 विधानसभा सीटों में से 81 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का तमें 28, आम आदमी पार्टी का तमें 2, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। भावनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं आनंद की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। राजकोट की 8 विधानसभा सीट है, 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। गुजरात की अब तक 135 विधानसभा सीट का जनता के राय और जनता का फैसला आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी वाड्रा, 2 सीटों पर अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी के 0-0 सीट। सूरत की बात करें तो सूरत में 16 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ की जनता की राय के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर 16 में से 14 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बाजी मार सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वडोदरा की, 10 विधानसभा सीट है, 10 में से सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, आपके का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के सबसे बड़े राज्य अहमदाबाद की, 21 विधानसभा सीटें हैं, 21 में से 18 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी का तमें 3, आपके का तमें 0, अन्य पार्टी का तमें 0-0 सीट। दोस्तों गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में सभी 182 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 182 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 141 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना स्वाद चखने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कि कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होना पड़ सकता है, यानी कि बीजेपी में शामिल होने से हार्दिक पटेल यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, यानी कि नुकसानदेह बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के डेट एंड वोटर भी लग सकता है कांग्रेस पार्टी का। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 विधानसभा सीट मिल सकती है, यानी कि कितनी भी कोशिश कर ले अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मात्र ही 2 सीटों पर ही रह जाएगी। आम आदमी पार्टी अपना एडी चोटी का जोर लगाने में हो रहे हैं। पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हम गुजरात में भी फतेह पाए, यानी कि गुजरात में भी फतेह पाए। उनका हाल पंजाब में दिखाया जा रहा है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है, इससे जनता काफी नाराज है इनसे, अरविंद केजरीवाल से, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से। और उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।